नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। जिस मुस्लिम वोटर के लिए अखिलेश यादव ने अपने हिंदुत्व को ताक पर रख दिया, आज उसी अखिलेश को तार तार कर दिया है। आज वही लोग अखिलेश की मुखालफत कर रहे हैं, अखिलेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। राजभर के साथ मिलकर अखिलेश का जहाज डुबाने की तैयारी में है। क्या है पूरा चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाएं, इसमें हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। अभी दो लोकसभा के उपचुनाव में सपा उम्मीदवारों को जबरदस्त नाकामी मिली। इस पर आपने अखिलेश यादव को एक साथी की हैसियत से कहा था कि एसी की ठंडी हवाओं से बाहर निकलते तो सपा के उम्मीदवारों को हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आपने अखिलेश यादव के हित में बात कही थी, मगर उसको तूल देकर आपकी मुखालफत की गई। मुखालफत करने वालों में आजम खान भी थे। मौलाना ने पत्र में आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि आजम खान परिवारवाद की बात करते हैं, वो मुस्लिम कौम की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पर उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। उन्होंने राजभर को सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करें, सपा अब डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अखिलेश यादव की मुस्लिम मसाइल पर खामोशी के चलते 50% मुसलमानों ने सपा से दूरी बना ली है और बाकी 50% मुसलमान आने वाले लोकसभा चुनाव तक अलग हो जाएंगे। उन्होंने पत्र में ये भी कहा है कि शिवपाल यादव, मौलाना तौकीर रजा खां और दूसरे नेतागढ़ मिलकर एक मोर्चा बनाएं और सपा के खिलाफ मुहिम चलाएं, मुसलमानों के मसाइल भी उठाएं, मुसलमान आपके साथ खड़ा नजर आएगा, तंजीम उलमा इस्लाम आपका खुलकर समर्थन करेगी। अखिलेश यादव पता नहीं कौन सी नाव में सवार होना चाहते हैं। सहयोगी दल टूट रहे हैं, लेकिन उनके माथे पर कोई शिकन नहीं है। आज वही मुस्लिम उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिनके कभी वो मसीहा हुआ करते थे। अखिलेश अगर वाकई में डूबते हुए जहाज हैं, तो इस जहाज का सहारा कौन बनेगा, इस बात को अखिलेश अभी खुद ही तय नहीं कर पाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।